आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध द्वारा रचित पवन दूतिका के तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके दो पद्यांश की व्याख्या सीख ली है, बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं सभी को आप हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले उन सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले उनका सरल अर्थ जान लेते हैं। थोड़ा, थोड़ा माने थोड़ा या तनिक, थोड़ा माने थोड़ा या तनिक, आगे सरल है ऐसे ही रहेगा। सरस, सरस माने रस से युक्त या मधुर, रस से युक्त या मधुर। रव, रव माने ध्वनि, रव माने ध्वनि, का सरल है, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए या आप युक्त भी कह सकते हैं, चाहे का करके व्याख्या कर लीजिए चाहे युक्त। धाम माने घर भी होता है, स्थान भी होता है, तो यहाँ पे धाम का जो अर्थ है वो है स्थान, लेकिन यदि आप धाम कह के भी व्याख्या कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चाहे आप धाम कह के ही व्याख्या कर लीजिए। सत पुष्प वाला, सत पुष्प वाला मतलब सैकड़ों पुष्पों वाला या सैकड़ों फूलों वाला, सैकड़ों पुष्पों वाला या सैकड़ों फूलों वाला। अच्छे, अच्छे सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। बहु माने बहुत, बहु माने बहुत। द्रुम माने पेड़ पौधे, द्रुम माने पेड़ पौधे। लतावान मतलब लताएं, लतावान मतलब लताएं। सौंदर्यशाली मतलब सुंदर, सौंदर्यशाली मतलब सुंदर। देखिए विपिन माने होता है वन, विपिन माने वन, तो इसका अर्थ हो जाएगा वृंदावन, वृंदावन। मन को सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। मुग्धकारी मतलब मुग्ध करने वाला या मोहित करने वाला, मुग्ध करने वाला कह के व्याख्या कर लीजिए चाहे मोहित करने वाला करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। आना जाना, आना और जाना, आना जाना, आना और जाना। इस सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। विपिन से, विपिन से अर्थात वन से या जंगल से, लेकिन यहाँ पे किस जंगल की बात हो रही है, वृंदावन की बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं वृंदावन से, वृंदावन से भी आप कह सकते हैं। मुह्यमाना, मुह्यमाना मतलब मोहित या मुग्ध, मुह्यमाना मतलब मोहित या मुग्ध। न होना, दोनों सरल है ऐसे ही रहने दीजिए, न माने नहीं होता है, होना सरल है। जाते जाते सरल है ऐसे ही रहेगा। अगर, ये भी सरल है। पथ में, पथ में अर्थात रास्ते में, पथ में अर्थात रास्ते में। क्लांत माने थका हुआ, क्लांत माने थका हुआ, कोई सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। दिखावे मतलब दिख जाए, दिखावे मतलब दिख जाए, तो सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। जाके अर्थात जा करके, जाके अर्थात जा करके। सन्निकट, सन्निकट का मतलब समीप या पास या निकट, ठीक है, तीनों में से चाहे जो एक आप ले लीजिए। उसकी, सरल है ऐसे ही रहेगा, उस थके हुए व्यक्ति के लिए आया है तो ऐसे ही रहेगा। क्लांतियों मतलब थकावट, क्लांतियों मतलब थकावट, को सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। मिटाना मतलब मिटा देना या समाप्त कर देना, मिटा देना या समाप्त कर देना। धीरे धीरे सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। परस माने स्पर्श करना या छूना, परस माने स्पर्श करना या छूना। करके सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। गात माने शरीर, गात माने शरीर। उत्ताप माने गर्मी या कष्ट, उत्ताप माने गर्मी भी कह सकते हैं, कष्ट भी कह सकते हैं, चाहे जो एक लेकर के व्याख्या कर लीजिए। खोना मतलब मिटा देना या समाप्त कर देना, ठीक है, खोना मतलब मिटा देना या समाप्त कर देना। सदगंधों, सदगंधों का मतलब सुगंध या खुशबू, सदगंध मतलब सुगंध या खुशबू। से सरल है ऐसे ही रहेगा। श्रमित जन, श्रमित मतलब थके हुए व्यक्ति या थके हुए लोग, थके हुए व्यक्ति या थके हुए लोग।
को सरल है ऐसे रहने दीजिए। हर्षितों सा, हर्षितों सा मतलब प्रसन्न, हर्षितों सा मतलब प्रसन्न बनाना, चाहे बनाना कहिए या बना देना, जैसा भी वाक्य में बैठे हम लोग तोड़ मरोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन को वृंदावन की सुंदरता के बारे में बताते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं, किंतु यदि रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति मिल जाए तो उसकी सहायता करने के लिए कहती हैं। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, जब व्याख्या करते समय मैं बोलता रहूं और मेरी कलम ना चले, तो आप समझ लीजिए कि वो सारी बातें व्याख्या में मैं भाव के अनुसार अपनी तरफ से जोड़ के लिख रहा हूं, और आपको भी व्याख्या करते समय वो सारी बातें अपनी तरफ से जोड़ करके लिखनी पड़ेगी, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं, हे प्यारी पवन जब तू, अब आ जाइए पद्यांश पर, जब तू थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो तुझे रास्ते में मधुर ध्वनियों से युक्त सैकड़ों पुष्पों वाला अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ पौधों वाला सुंदर लताओं वाला मन को मोहित करने वाला वृंदावन धाम मिलेगा। पूर्ण विराम लगा के आगे लिखेंगे, तू इस वृंदावन से आना और जाना, लेकिन इस पर मोहित मत होना, अर्थात तू वृंदावन से आकर्षित होकर मुग्ध होकर वहाँ रुक मत जाना। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जाते जाते अगर रास्ते में तुझे कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो तू उसके पास जा करके उसकी थकावट को मिटा देना। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, धीरे धीरे तू उसके शरीर को स्पर्श करके अपनी शीतलता द्वारा उसकी गर्मी को मिटा देना और अपनी खुशबू से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न बना देना। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार है, क्योंकि राधा जी कृष्ण से दूर होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। यदि छंद की बात करें तो यह मंदाक्रांता छंद है, या यूं कहा जाए कि पवन दूतिका के जितने भी छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं सभी मंदाक्रांता हैं। यदि अलंकार की बात की जाए
तो इस पद में मुख्य रूप से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार और मालवीकरण अलंकार है। क्योंकि अलंकार से हमेशा प्रश्न पूछता है, तो चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं कि ये अलंकार कहाँ पे है। देखिए, यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे अच्छे, जाते जाते, धीरे धीरे। तो देखिए, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी एक ही हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखें। यहाँ पे मुग्धकारी में म वर्ण और मिलेगा में भी म वर्ण आया है, तो जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए, लगातार आए, मतलब देखिए इस शब्द में भी पहले ही आया है और इस शब्द में भी पहले ही आया है, इस तरह से यदि कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब तीसरा, यदि मानवीकरण की बात की जाए तो देखिए मानवीकरण अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पर कोई निर्जीव चीज़ हो और उसको इस तरह से प्रकट किया जाए जैसे वह कोई मनुष्य है। तो यहाँ पर देखिए राधा जी जो पवन है, जो हवा है, वो एक निर्जीव चीज़ है, लेकिन उससे इस तरह से बात कर रही हैं, संदेश भेज रही हैं जैसे वो कोई जिंदा औरत हो, कोई मनुष्य हो, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो ये तीन अलंकार हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश में खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अविधा है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, हम लोगों ने पहले पद्यांश में इस पर विस्तार से चर्चा कर ली है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपकी परीक्षा में इस पद्यांश से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने जो 5 प्रश्न लिए हैं यही प्रश्न आए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक पद्यांश से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और वो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना है, यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सभी को ध्यान से सुना है तो कोई भी प्रश्न कहीं से भी आ जाए आप उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका पवन से क्या कहती है। तो देखिए बहुत ही सीधा सा उत्तर है, आप उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका पवन से मथुरा जाने के लिए कहती है तथा मथुरा जाने के रास्ते में पड़ने वाले सुंदर स्थानों से परिचित कराते हुए वहां पर दिखाई देने वाले थके हुए व्यक्तियों की मदद करने के लिए कहती हैं। ये मैंने आपको उत्तर बताया, आप इसी को अपने तरीके से भी वाक्य बना के लिख सकते हैं यदि आपको व्याख्या समझ में आ गई है तो, मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, राधा पवन को किन वस्तुओं से मोहित नहीं होने के लिए कह रही हैं। तो देखिए, मैंने व्याख्या में बताया कि राधा वृंदावन में जो मधुर ध्वनियों से युक्त स्थान है, जो सैकड़ों पुष्पों वाला स्थान है, जहाँ पर सुंदर सुंदर लताएं हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, उन सभी स्थानों से मोहित नहीं होने के लिए कह रही हैं। तो अच्छा सा वाक्य बनाकर किसी को लिख देना है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, राधा पवन से किस प्रकार लोगों की सहायता करने के लिए कह रही हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, राधा पवन से थके हुए लोगों को अपने शीतल स्पर्श और अपनी खुशबू के द्वारा उनके थकान को मिटाकर सहायता करने के लिए कह रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, हमने आपको अलंकार तीनों बता दिया है,
अब आपको करना क्या है, परीक्षा में उस लाइन को लिखेंगे। सीधे सीधे आपको नहीं लिखना है कि इसमें ये अलंकार है, बल्कि आप उस लाइन को लिखेंगे और उस लाइन को लिखने के बाद बताएंगे कि यहाँ पर यह स्थिति है इसलिए यहाँ पर यह अलंकार है। ऐसे आपको लाइन लिख करके लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और निश्चित होता है कि ये पद्यांश में आएगा ही आएगा, इसके ना आने की तो कोई संभावना ही नहीं होती है। तो चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए आप प्रश्न का नंबर डालेंगे और पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जोड़ के लिख देंगे। क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पंक्ति में, देखिए पद्यांश नहीं कहेंगे क्योंकि आप लाइन की व्याख्या कर रहे हैं, और जब मैंने पद्यांश कहा था तो मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या कर रहा था, ठीक है। तो फिर से सुनिए, आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं। अब आ जाइए लाइन पर, कहती हैं रास्ते में तुझे मन को मोहित करने वाला वृंदावन मिलेगा, लेकिन तू इस वृंदावन से आना और जाना, लेकिन इससे मोहित न होना, अर्थात वृंदावन से मुग्ध होकर तू वहाँ रुक मत जाना। और आपकी दो लाइन की व्याख्या हो जाएगी। तो कहाँ कौन सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।